नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है 35th जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स। उसका 37 पैराग्राफ तक हो गया था, लेकिन कल जो हमने किया था उस पे कुछ और मेरा थॉट प्रोसेस है। जरा बताइए, जो सोलार वाला था, सोलार पावर इंस्टॉलेशन में ये कर क्या रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कोई चीज ऐसी सप्लाई कर रहा हूं विच इज ए मिक्सचर ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इधर इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यस और नो? Yes. और ये अगर ऐसा है या सर्विसेज प्लस सर्विसेज है, गुड्स प्लस गुड्स है, तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल सप्लाई है ये आइडेंटिफाई करना कंपलसरी है। व्हाई? बिकॉज सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए अलग लॉ बनाया गया है, टाइम ऑफ सप्लाई अलग है इसका, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के डेफिनेशंस अलग हैं, इसका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रूल्स अलग है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रूल्स अलग हैं, इनवॉइसिंग के रूल्स अलग हैं, इसमें भी इनवॉइसिंग के रूल्स अलग हैं, तो बहुत सारी चीजें अलग भी हैं। ये सोलार पावर इंस्टॉलेशन में ये कह रहे हैं कि 70-30 का रेशियो चलेगा, 70% को सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, 30% को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो मुझे क्या, मैंने पढ़ा ही नहीं है वो नोटिफिकेशन, उन्होंने क्या खिचड़ी पकाई है कि अगर वो 70% को सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे तो क्या ये 70% के लिए ये रूल चलाएंगे, 30% ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे क्या 30% के लिए ये रूल चलाएंगे? समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ये ऑब्वियसली इसको, इसके नोटिफिकेशंस को और रेट नोटिफिकेशन में, ऑब्वियसली रेट नोटिफिकेशन में आया होगा, वहां चेक करना पड़ेगा आखिर किया क्या। एक बार पढ़ें ये नोटिफिकेशन कहां आया और क्या किया है। ये सब देख लेता है। देखो कुछ हमने निकाला है, ये क्लियर टैक्स का एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सोलर पावर बेस्ड डिवाइस एंड सिस्टम्स, ऑल रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस आर टैक्स एट 12% जीएसटी, बट इफ द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स इरेक्शन प्रोक्योरमेंट एंड कमिश्निंग ऑफ अ सोलर जनरेटिंग सिस्टम इट विल फॉल अंडर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, इन दिस केस 12% जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन 70% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, 18% ऑन द रिमेनिंग 30% वैल्यू। और इन्होंने एग्जेम्पशन छोड़ते हैं, ये देखिए 841912 सोलर वाटर हीटर एंड सिस्टम 2.5%, बाकी ये सब चैप्टर में 6-6%। और यहां लिख रहा है कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स अलॉन्ग विद सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेस ऑफ ए सोलर पावर प्लांट, 70% of the value is considered as supply of goods and tax at 12% GST. Balance 30% of the contract value is considered as supply of services and tax at the rate of standard rate of tax, which is 18%. तो goods की invoicing अलग होगी, services की invoicing अलग होगी, कब होगी? ये एक question है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ ये क्या लिख रहे हैं? CEO ओम प्रकाश जैन जी, इन्होंने कौन कौन सा नोटिफिकेशन है, 8413 ये कहाँ है, 8413 तो कोटेड ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मिक्स सप्लाई रेट ऑफ टैक्स, अब देखिए अगर मिक्स सप्लाई मानते हैं तो हाईएस्ट रेट 12%, एंटायर वैल्यू पे 12% लग जाएगा, सरकार वो 6% के लिए ये 18% कर रही है। आगे आ जाते हैं, और कुछ एडवांस रूलिंग ने भी कुछ अलग अलग जजमेंट दे दिए, प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, देखिए व्हाट शुड बी द क्लासिफिकेशन जीएसटी रेट ऑन सेल ऑफ फॉलोइंग गुड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, सोलर पंप कंट्रोलर स्ट्रक्चर, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ सोलर पैनल प्लस कंट्रोलर प्लस सोलर पंप प्लस स्ट्रक्चर, वो नोटिफिकेशन कहाँ है? नहीं, धन्यवाद।
चलिए इसको छोड़ देते हैं। सीएमए उत्पल कुमार साहा, सोलर पावर प्लांट इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल अच्छा है, इसको पढ़ा जा सकता है। चलिए मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, आप लोग क्या ओपिनियन है? अरे बता दीजिए, हाँ संजय जी बोलिए। सर इसके हिसाब से तो हमें दो अलग अलग ही बिलिंग करनी पड़ेगी, यदि हमारा कंपोजिट जहां डिक्लेरेशन नहीं होता वहां 70% पे हम गुड्स पे 12% करेंगे, क्योंकि सर ऐसा है जहां वाटर हीटर की और इंस्टॉलेशन आ जाएगा वहां पर हमें वहां 5% और 18% करना। अच्छा, और रेस्ट ऑफ 30% पे हम 18% ही करेंगे। अजीब सा लग रहा है लेकिन है तो सर बड़ा अजीब सा, क्योंकि सर दो तरह के रेट ऑफ टैक्स हैं सर, मिक्स सप्लाई दूंगा तो सर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सर देखिए करना क्या चाहिए था गवर्नमेंट को, जो कल के सेशन में भी किसी ने कहा था कि वर्स कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी का एक रेट निकाल देते, शेड्यूल टू में डाल देते कि सोलार पावर एनर्जी इज ईदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इतना ही तो अमेंडमेंट करना था इनको। बिल्कुल और ये करने के लिए उनको पार्लियामेंट जाना पड़ता, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर में उसको अमेंड करना पड़ता, तभी पॉसिबल था। ये उन्होंने क्योंकि जल्दीबाजी में नोटिफिकेशन के थ्रू किया है, नोटिफिकेशन कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हुई विदाउट पार्लियामेंट दे कैन मेक द लॉ, तो ये बड़ा सब्सटेंटिव लॉ है, दे हैव चेंज द सब्सटेंटिव लॉ थ्रू नोटिफिकेशंस, और इसने कहीं लिखा भी नहीं है कैसे किया, विदाउट सोर्स ये इंफॉर्मेशन बेकार है, याद रखिएगा सोर्स होना बहुत जरूरी है, कहीं नहीं लिखा है इन्होंने। सर इन्होंने रेट ऑफ नोटिफिकेशन से रिड्यूस भी किया था ना, कि जिससे सोलर पावर सिस्टम जिसमें इन्वर्टर और बैटरी आता था तो सबको 5% किया इन्होंने, नॉर्मली 28 था, नहीं बहुत कंफ्यूजन होते थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस आर्टिकल में क्लियर टेक्स्ट के आर्टिकल में सोर्स नहीं लिखा हुआ, कहाँ से ये निकाला गया, तो ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर कभी रिलाई मत कीजिए, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिस इंफॉर्मेशन के पीछे सोर्स लिखा हुआ है वही इंफॉर्मेशन वैलिड है, वही आप कोट कर पाएंगे आगे नोटिसेस में रिप्लाईज में, ये आप कोट कर पाएंगे कभी भी, ये पॉइंट बोल रहा हूं। अब जैसे इसमें लिखा हुआ इन्होंने पूरा नोटिफिकेशन ये सब लिखा हुआ, फिर आपको क्या करना होगा, ये नोटिफिकेशन में जाके चेक करना पड़ेगा ऐसा क्या कहां लिखा हुआ है, तब जाके ये कोई भी आर्टिकल चाहे किसी ने भी लिखा हो, मैंने ही लिखा हो, तभी होगा। अब जैसे इन्होंने आर्टिकल लिखा है, ये सब कुछ सोर्स दिया हुआ है, देखिए एक ऐसा आर्टिकल जिसमें सेक्शन मेंशन है, नोटिफिकेशन मेंशन है, सर्कुलर नंबर मेंशन है, तभी वो आर्टिकल ऑथेंटिक होगा, नहीं तो आप यूज कैसे करेंगे इस आर्टिकल को। चलिए आगे आते हैं, तो ये हमने डिस्कस कर ही चुके थे। एंड नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, मैंने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, बताइए आज के डेट में एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी कौन है? सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जी जी, इन्होंने सीसीआई से पहले जो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी बनाई थी ये 2-3 साल के लिए ही बनाई थी, नाउ अब ये नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी को खत्म करके दे हैव अपॉइंटेड सीसीआई एज एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी और ये अब परमानेंट हो गया है, अब ये कभी नहीं हटने वाला, जीएसटी जब तक जीएसटी है तब तक ये है, और ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ जीएसटी जब भी कम होगा तब तक तक करेंगे, तो ये मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन नहीं कर रही है और तो इनको प्रॉफिट पास ऑन करना पड़ेगा, लेट अस सी हाउ इट वर्क्स।
तो ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी को कि इट विल बी एक्सटेंडेड बाय 2 years. अब तो खैर परमानेंट ही हो गया. हाँ जी. अरूप जी वेलकम, गुड मॉर्निंग, आइए. अच्छा समझते हैं ये टोल प्लाजा का केस. इंडिया में रोड्स कौन कौन बना रहा है जरा बताएंगे आप मेरे को. एक तो सेंटर बना रही है, सेंटर के बिहाफ पे एनएचएआई बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी रोड्स बना रही है, जो स्टेट हाईवे कह लीजिए. ये जो टोल प्लाजा पे जो फास्टैग है ये क्या सिर्फ एनएचएआई को एप्लीकेबल है या जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो रोड्स बनाए उसमें जो टोल है वहां भी एप्लीकेबल है? किसी को कोई आइडिया है तो बता दीजिए प्लीज. कोई भी आइडिया? इस आर्टिकल को पढ़ के लग रहा है, मतलब इस डिस्कशन को पढ़ के लग रहा है कि बहुत जगह ये जो फास्टैग है बहुत टोल मतलब जो एनएचआई का नहीं है वहां एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर कैश देना ही पड़ता है. ऐसा है क्या? नहीं नहीं स्टेट में अब नहीं है, सेंट्रल में अब नहीं है, अब नहीं है फास्टैग सब. अब एवरी स्टेट में एप्लीकेबल मतलब हर एक रोड पे एप्लीकेबल हो गया. ओके अब देखिए फास्टैग एप्लीकेबल हो गया है तो इनका पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास होगा. यस. व्हीकल नंबर के साथ होगा जी. ये जो ई वे बिल हम लोग जनरेट कर रहे हैं उसमें भी जब हम लोग ई वे बिल जनरेट करते तो व्हीकल नंबर देते हैं या नहीं देते? देते हैं. अब ये दोनों डेटा अगर मैच हो जाए तो मूवमेंट ऑफ गुड्स के बारे में पता लग सकता है. तो सर अब तो ये हो गया ना डिपार्टमेंट के पास. ये डिपार्टमेंट पास ये वाला डेटा आ गया है क्या? जी आ गया सर. ऐप आ गया. आ गया ऐप आ गया. वो ट्रेस आउट कर लेते, व्हीकल नंबर डालते हैं इसका, कहां कहां से निकला कब निकला सब आ गया. बैकग्राउंड की आवाज आ रही है उसको म्यूट कर लीजिएगा प्लीज. हाँ बताइए सर. ये जो फॉल्स बिलिंग हो रहा है ना जो मैंने डिस्कस किया था. हाँ हाँ उसमें सबसे बड़ा बाधा यही है खाली. क्या जैसे कलकत्ता से कोई ट्रक चला वो चला गुजरात के लिए और मैंने किसी और को दिखला दिया इनपुट बिल वो बेच दिया तो उसमें सबसे बड़ा झमेला यही है ई वे बिल का. उससे वो पता कर लेते कि ये ट्रक एक्चुअली गया कहाँ था. आपने धनबाद में दिखला रहा है सेल और ये ट्रक गया था गुजरात. ओके ओके इन ट्रांजिट सेल है ही नहीं. हेलो सर. हाँ हाँ बोलिए सर. ये मुझे डिपार्टमेंट के पर्सन ने बताया था. हमने फास्टैग का मतलब उनका कहना था कि आपका मूवमेंट ही नहीं है. हमने कहा कैसा नहीं है? उसने मुझे दो चीज बताया कि देखिए आपका आउटवर्ड सप्लाई है तो ये महाराष्ट्र से निकला गुजरात गया, इन बिटवीन जितने भी टोल नाका आए तो सारे के सारे टोल नाका को बता रहा था सर वन बाय वन उनका जो सिस्टम था. जी सर. और जो ट्रक वो बोल रहा था कि आपका मूवमेंट ही नहीं दिख रहा है तो वहां पे इतने टोल नाका थे लेकिन एक भी आया नहीं तो वहां पे पूरे ब्लैंक थे. दो प्रिंटआउट उसने हमको दिए थे, उनका इंटरनल डॉक्यूमेंट था ये. उसने बताया कि देखिए आपका एक भी टोल नाका से गाड़ी गुजरी नहीं है, आप ये झूठ बोल रहे हो क्योंकि इन बिटवीन ही आना चाहिए. तो और इन आउटवर्ड के केस में उसने बताया देखो महाराष्ट्र से गुजरात गया तो ये 5 या 6 टोल नाका आते वो सारे उसमें आए थे. वहां से वो मोमेंट चेक करते हैं कि ये फेक इनवॉइस वाला केस है या नहीं है, ये मतलब तब एक्चुअल में मालूम पड़ा. तो ये कुछ 1 जनवरी 2020 से सर कंपलसरी हो गया था फास्टैग का. 1 जनवरी 2020 से उन्होंने 100% इम्प्लीमेंट कर लिया था इसको. अच्छा. और अभी जो गाड़ी पकड़ी जाती है वो तो ये चेक करते हैं कि आपका इतना टोल नाका गिरता है अगर जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो आपका ये टोल नाका क्यों नहीं आया बीच में, उनको वो मालूम पड़ जाता है सर. ओके ओके सर इसमें दो चीजें हुई. एक ये तो हुआ सर फास्टैग के लिए सर. दूसरा ये हुआ कि ई वे बिल में अभी आपको पता है कि ई वे बिल में टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है
पहले मैं 100 किलोमीटर के लिए एक दिन था जो बढ़ा दिया गया, उसका पर्पस क्या होता था सर कि कभी कभी क्या था शॉर्ट डिस्टेंस में एक ही ईवी व्हील पे दो दो बार माल यूज हो जाता डिफरेंट रूट से लेकर। तो आज भी मुझे लगता है 100 किलोमीटर पे कितना 200 किलोमीटर हो गया सर, 200 किलोमीटर कर दिया और वो कितने दिन है एक दिन, उसके बाद पर 100 किलोमीटर पे एक दिन एडिशन कर दिया सर। पहले 200 किलोमीटर था उसको अभी 100 कर दिया सर, पहले 200 था 100, एक बार चेक कर लूं मैं। नहीं नहीं सर 100 से 200 कर दिया है सर, एक बार चेक कर लूं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। पेज 327 200 किलोमीटर एक दिन, पहले 100 था ये जी, तो बढ़ा दिया गया है जी, बढ़ा दिया गया। तो सर वो पर्पस इसलिए लिया गया था कि सर बहुत से जो शॉर्ट डिस्टेंस पर डिफरेंट रूट्स होते हैं जिसपे टोल लाना नहीं पड़ता, वो उसको यूटिलाइज कर लेती थी। और एक ऑर्डर भी इसका आया था कि डिफरेंट रूट से आप ले जाते हो तो उसका एडवांस नहीं लिया जाएगा 129 का, ये एक जजमेंट है सर। वो दिखला दीजिए मुझे, लगता है मैं बताता हूँ एक जजमेंट ये उल्टा गया था, वो जजमेंट तो है केरला हाई कोर्ट का कि उसका रूट ऐसे जाना था वो ऐसे चला गया, तो बोला कहाँ जा रहे हो, तो इसके ऊपर जजमेंट है। लेकिन वो दूसरा रूट ऐसे ऐसे करके जाए तो उसका कोई जजमेंट नहीं मिलेगा सर, डिफरेंट रूट का है, डिफरेंट रूट का है वो, डिफरेंट रूट मतलब अपोजिट रूट, डिफरेंट रूट का नहीं, अपोजिट रूट नहीं सर, डिफरेंट रूट ये होता है कि सपोज दैट मैंने एचआई में एक सीधा स्ट्रेट रूट है और दूसरा थोड़ा सा साइड वाइज होकर जा सकते हैं, तो हम यदि साइडवेज होके छोटे से जहां पर टोल नहीं, नॉर्मली ये लोग टोल बचाने के लिए करते हैं ट्रक ड्राइवर, उस पे कोई देखिए प्रीमा फेसी संजय जी, मुझे नहीं लग रहा ऐसा कोई जजमेंट है, लेकिन है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार भेजिएगा जरूर से। मैं भेज ठीक है भेज, ओके, जो मैंने पढ़ा हुआ है सर ठीक है ठीक। तो सर ये इन्हीं चीजों को लेने के, और सर दूसरा ये है कि ये ज्यादातर जो चीजें आई थी सर ये आपका 17 से लेके 2020 तक में जिन्होंने जो फॉल्स एक्सपोर्ट किए हैं सर, उसमें जो आईटीसी का क्लेम किया है सब, इनके पास तो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग वो नहीं था टूल जिसके लिए इन्होंने रिफंड दिए, एक्सेस रिफंड जो गए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स में और इसके अंदर सर एक्सपोर्ट सेल्स में। अच्छा। उसको कंट्रोल करने के लिए इससे कंट्रोल किया कि जब ये माल आप पे रिसीव ही नहीं हुआ। ठीक है संजय जी, अरूप जी कोई आपका इनपुट? चलिए आगे पढ़ते हैं। ये आरएफआईडी इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं, आरएफआईडी का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी, यस यस, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस जी। नहीं ये अभी तक हुआ नहीं सर। सर यूपी में अवेलेबल हुआ था फॉर कुछ टाइम के लिए, पेनल्टी हाँ। भी थी सर, 25,000 थी। इसका पर्पस क्या है? ट्रैकिंग सिस्टम सर, ये ट्रैक कर लेगा। ओके, भले किस किस रूट से जा रहा है वो पूरा पता लग जाएगा सर। आरएफआईडी को जब भी टोल से निकलेगा तो उसका पूरा डाटा वहां से स्क्रैच होकर उनके सिस्टम पे आ जाता। वो तो अब फास्टैग से आ ही रहा है सर, आप फास्टैग से आ रहा है आरएफआईडी में सर, पूरा वेट सब कुछ डिटेल्स आ जाते हैं। वही कह रहा हूँ, रूट नजर आ जाएगा सर आरएफआईडी में, जब ये बेसिकली वेट और उस पे भी। आरएफआईडी सिस्टम डिजाइन्ड फॉर यूज विद लार्ज व्हीकल्स आर ए ग्रेट एसेट टू इन्वेंटरी एंड द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, सिक्योरिटी पर्सनल कैन इक्विप रेल कार्स विद आरएफआईडी टैग्स टू अलाउ ट्रैकिंग बाय स्टेशन एंड यार्ड्स अलोंग द रूट, cars can be rerouted at any time and shipment moved to another destination without any manual input. Some systems offer wireless sensing tags that can monitor temperature, humidity, pressure, radiation and even ammonia gases. With this type of technology, the temperature inside refrigerator cars can be tracked to ensure integrity of their contents. This system is a viable method to prevent asset thefts. Okay. तो ट्रक में जितना भी सामान जा रहे हैं उसका पूरा डिटेल उस आरएफआईडी में आ जा रहा है क्या? चलिए, वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव टेकन बाय एनएचएआई और एचएमसीएल इज फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टेट टोल प्लाजास अंडर एनईटीसी प्रोग्राम टू फैसिलिटेट
कैशलेस टोल पेमेंट्स फॉर द कस्टमर्स थ्रू आउट द कंट्री, और जो आप कह रहे हैं कि हो चुका है, देयर इज ए, एक मिनट रुकिए, हाँ, देयर इज ए प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑल्सो इन द स्कीम गाइडलाइंस. States could make use of these schemes for the implementation of cashless toll payments, which shall ensure more coverage of FASTag acceptance across the nation. The report also dwelt upon scheme for setting up RFID infrastructure in certain regions. अब देखिए अगर ये हो गया है तो RFID जल्दी आ जाएगा मुझे लगता है. While toll plazas were available across the national highways and state highways, there were parallel routes available for the users at few places. There were also certain regions of the country which did not have any toll plaza infrastructure that were required to be installed to capture the movement of the vehicles through RFID tags as at identified locations. States therefore needed to identify such locations and arrange for necessary RFID infrastructure in order to track the vehicle movement. Karnataka had done the pilot for similar scenario which could be adopted by other states. Karnataka se koi hai? हेलो नहीं सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ. ओके, द कमिटी हैड सजेस्टेड दैट आरएफआईडी बेस्ड ट्रैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट सच लोकेशंस कुड बी रोल्ड आउट अंडर द एजिस ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर सुटेबल कॉस्ट शेयरिंग फॉर्मूला विद द असिस्टेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. चलिए ये इंटरेस्टिंग है. अच्छा एक बात बताइए मेरे को, अगर सप्लायर लेट 3B फाइल करेगा तो क्या होगा? पेनल्टी लगता है. पेनल्टी तो बात है, पहले इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे कर लेट अभी 15 मिनट बाकी. ठीक है, ठीक है. और लेट फीस पेनाल्टी ये सब तो है, लेट फीस तो माफ कर भी देती है, इंटरेस्ट माफ कभी भी गवर्नमेंट करती है. जैसे लेट फीस माफ कर देगी गवर्नमेंट, उसके लिए एक अलग से लॉ लिखा हुआ है कि अगर जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन से लेट फीस माफ हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है? नहीं, इंटरेस्ट कभी भी माफ नहीं होगा. ठीक बात है. अब आइए, ये जो जीएसटीएन है ये एक सेपरेट बॉडी है, फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट्स, यस और नो? यस. नाउ जीएसटीएन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सेंटर एंड स्टेट्स, तो सेंटर और ईच स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी आर रिक्वायर्ड टू पे सर्टन फीस टू द जीएसटीएन. तो जीएसटीएन के अपने खर्चे भी तो हैं, इंफोसिस ये सबको भी पैसा देना पड़ता होगा, इंप्लॉयज को पैसा देना पड़ता होगा, सैलरी देनी पड़ती हो, तो पैसा कहां से आएगा? तो सेंटर और स्टेट्स की फीस डिसाइडेड, वो फीस सेंटर और स्टेट्स इनको हर महीने के किसी एक तारीख को फिक्स किया होगा दे सकते हैं. ठीक बात है. अगर ये सेंटर और स्टेट्स मान लीजिए एक तारीख एक फिक्स डेट है फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ और नहीं देते हैं, तो इसमें क्लॉज है इंटरेस्ट का. अब इंटरेस्ट क्या, अगर नहीं देते तो इंटरेस्ट माफ करना चाहिए? नहीं. अब देखिए पंजाब गवर्नमेंट डिफॉल्टर है, उन्होंने दिया ही नहीं है पैसा. अब तो खैर दे दिया, लेकिन उस वक्त नहीं दिया. बोले क्यों नहीं दिया? बस सर सेंटर ने हमें कंपनसेशन सेस नहीं दिया, इसीलिए दिया नहीं. कुछ स्टेट्स ने डिले पेमेंट किया, बोला सर पैसा ही नहीं मिला सेंटर से तो कहां से देंगे. यही बात अगर सप्लायर कह दे ऑफिसर को, अब समझ रहे क्या होगा? तो जीएसटी काउंसिल ने बोला ठीक है, वन टाइम इंटरेस्ट वेवर, दे हैव गिवन वन टाइम इंटरेस्ट वेवर. अब आइए पढ़ते हैं. Waiver of interest on delayed receipt of advance user charges from a few states and CBIC. CBIC भी पैसा देती है, okay.
had been raised by CAG, yani ki Comptroller and Auditor General of India, as to why interest had not been levied in case of late payment by states and CBIC on the user charges paid to GSTN. The secretary explained the background of the agenda, stated that council had approved revenue model under which states and CBIC had to pay user charges to GSTN on account of the services provided by GSTN. The said revenue model had penal interest clause. If the payment was delayed, in case of some states and CBIC, payment was delayed and CAG took an objection that interest should have been charged on the delayed payment and why the interest had not been charged. So the proposal before the council was that it being the payment of the first year of the implementation of GST, interest could be waived. However, future payments by states and CBIC should be made in time. One time waiver was proposed. He also suggested that advance user charges for financial year 17-18 should be paid by states positively by 31st July 2019, failing which interest on delayed payment may be levied by GST as per approved revenue model. The Honorable Minister from Punjab stated that it was embarrassing to note that Punjab was a defaulter. He felt that his state was also owed money which it had not received till date from the central government, and he was agreeable if the amount was deducted from the due amount payable to Punjab. The Honorable Chairperson responded that the council was not looking at Punjab as a defaulter state. Kya feeling bataiye apne? Hello. Aaj aap log part nahi le rahe. चलिए आइए आगे सर. हाँ बोलिए बोलिए समझ लीजिए सर. मेरा ये कहना था ये जो उन्होंने अपने स्टेट और सीबीआईसी के लिए तो उन्होंने ये निकाल लिया फर्स्ट टाइम एग्जेम्पशन का, और पर्टिकुलर डीलर या उसके लिए रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कभी भी नहीं लाए. मतलब आप ये यूज कर सकते हैं ऑफिसर से, मतलब नॉट इन राइटिंग बट ऑफिसर से बात करते वक्त, स्पेशली इन पंजाब. और सर आपकी स्टेट तो डिफॉल्टर है. They have written their council not seen them as a default state. But still, officer से बात करते वक्त आप ये सब चीजें हैं, जितना ज्यादा आपके पास information होगा उतना ज्यादा आप debate कर पाएंगे, याद रहेगा तो ये सब आपको officer वो ये सब चीज का जानकारी रहेगा भी. नहीं नहीं आप बताइए ना, नहीं जानकारी तो दीजिए उसको. बस सर आपका स्टेट ही नहीं दे रहा पैसा, आप झारखंड का लिस्ट निकाल लीजिए कहीं से, पता नहीं कि झारखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है और उसके सिटीजंस क्या कर रहे हैं, पता लग जाएगा. बट सर क्या इसे यूपी में एज एग्जांपल प्रोड्यूस किया जा सकता है? मैंने कहा ओरली ओरली बातों में. सो वी कंप्लीटेड 35th. शुरू करते हैं 36 जीएसटी काउंसिल मीटिंग. इसमें ज्यादातर जो डिस्कशन चला इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर रेट पे चला है. जो एक पैराग्राफ मुझे नजर आया वो मैं पढ़ता हूं आपके साथ. ये वाला मुझे एक बात बताइए, आरडब्ल्यूए के लिए आरडब्ल्यूए पे टैक्स कब लग रहा है? जल्दी बताइए प्लीज. कितने रुपए के मेंबरशिप फीस के एक्सीडिंग जीएसटी लगेगा? पहले क्या था? 8,500. पहले क्या था? 7,500 से पहले क्या था? $5,000 था. अब एक बात मैं फिर से दोबारा पूछता हूं, अब देखिए प्लीज जवाब दीजिएगा. अगर मेंबरशिप फीस 7500 है तो एग्जेम्प्ट है, अगर 8000 है तो बताइए 7500 माइनस करके 500 टैक्सेबल है या एंटायर 8000 टैक्सेबल है? एंटायर 8000. एंटायर 8000.
कहां से आ रहा है ये? ये कहां से आ रहा है ये? मतलब सोर्स क्या है आपका, मैं वो पूछ रहा हूँ। मेंबर से आ रहा है। हाँ बक्सेटी जी, क्या कह रहे हैं आप? इंटर 8000 टैक्सेबल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने एक सर्कुलर निकाला था। वो अब तक तो हम लोग यही समझते आ रहे थे कि 500 इज टैक्सेबल, और सर्विस टैक्स के जमाने में भी यही था। जीएसटी में उनको लगा रेवेन्यू ज्यादा लेना था, तो उन्होंने सर्कुलर ही निकाल दिया। कौन सा सीरियल नंबर है, कुछ आइडिया है, याद है आपको? दो मिनट सर। सीरियल नंबर क्या है? सीरियल नंबर म्यूचुअल बेनिफिट, सीरियल नंबर 80 मेरे किताब में पेज 322। सर्कुलर नंबर में जो है सर्कुलर नंबर 109/28/2019, और इन्होंने कहां लिखा है, यस ए क्वेश्चन ऑफ 5 है, हाउ शुड द आरडब्ल्यूए कैलकुलेट जीएसटी पेबल वेर द मेंटेनेंस चार्जेस एक्सीड 7500 per month per member, is the GST payable only on the amount exceeding 7500 or on the entire amount of maintenance charges? The exemption from GST on maintenance charges charged by RW from residents only is available only if such charges do not exceed 7500 per month per member. In case the charges exceed 7500 per month per member, the entire amount is taxable. For example, if the maintenance charges are rupees 9000 per month per member, GST at the rate of 18% shall be payable on the entire amount of 9000, not on 9000 minus 7500, that is 1500. ठीक है, बताइए ये सर्कुलर वैलिड है या इनवैलिड है? ये वाला सर्कुलर जो कह रहे हैं कि एंटायर 8000 विल बी टैक्सेबल, ये सर सर्विस टैक्स के जमाने में अलग ही सिस्टम चल रहा था। मैं आपको कुछ दिखलाता हूं, देखिए जजमेंट सर, इसमें किसी कोर्ट का जजमेंट भी आया था जिसने डिफरेंशियल अमाउंट पे ही पाना था सर, थोड़ा सा मैंने पहले पढ़ा था सर शायद आपके पास। ये ग्रीनवुड ऑनर्स एसोसिएशन वर्सेस यूआई आरडब्ल्यूए 1 जुलाई 2021 मद्रास हाई कोर्ट का केस जी, ये देखिए ये जजमेंट में उन्होंने कहा सर्कुलर को ही इनवैलिड कर दिया। ये देखिए सर्कुलर वॉलेट्स दिस इन अर्ली इयर्स ऑफ जीएसटी द जीएसटी डिपार्टमेंट इश्यूड अ क्लैरिफिकेशन केस ऑफ कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज वेर इन दैट कैटेगरीली स्टेटेड दैट जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7500, यानी कि अगर 8000 है तो 500 रुपए भी टैक्स लगेगा। The flyers covers all cooperative housing society, in essence RWAs, housing societies or societies in residential complex. While this is so, and this method was being followed till from 2017 till 2019. उसके बाद और AR में चले गए, AR वाले तो खैर कहानी अलग करेंगे। ये सर्कुलर जो मैंने कोट कर रहा था जहां पर इन्होंने पांचवा क्वेश्चन था, मैं कह रहा था ये पांचवा क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा आपके साथ, और कोर्ट ने कहा कि भैया एक्सेस इन एक्सेस ऑफ टैक्सेबल होगा, पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, और इन्होंने बहुत सारा कुछ किया। और याद रखिएगा, देखिए ये तीन वर्ड है, हमने जब जीएसटी लॉ की क्लासेस ली थी तो बताया था अप टू, डज नॉट एक्सीड, नॉट मोर देन, तो इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि इसका इंटरप्रिटेशन किया उन्होंने। तो इतना टाइम नहीं है, नहीं तो ये पूरा हम लोग डिस्कस करते, लेकिन फिलहाल अब इसको आइए जो हम लोग मीटिंग मिनट्स देख रहे हैं। द ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम ओडिशा स्टेटेड दैट जीआईसी had issued some clarifications which were contradictory to express provisions of the statute and the rules. He observed that the provisions of the acts and the rules could not be overruled by a circular.
he stated that section 11 of the act, read with entry number 77 of the table 2 notification, this contained different provision than the clarification issued with the approval of GIC in the case of resident welfare association. तो ये वही बात कह रहा है कि सर्कुलर जो हमने इशू किया वो गलत इशू किया है, इसमें और कुछ नहीं है 36 में। इस पर किसी का कोई कमेंट है तो बताइए, फिर आगे बढ़े। चलिए थर्टी सेवन मैंने पढ़ा होगा तो ठीक है सर। अभी तक लोक ऑपोजिशन क्या है कि उसको नेट पे भरे हम लोग? हाँ हाँ नेट पे ही है, 37 मैंने पढ़ा नहीं है। सब फुल पे भरते सर इधर। क्या चीज? फुल पे ही भर रहे हैं। ओके ओके। 7500 के ऊपर रहेगा ना, फुल अमाउंट पे भरते हैं यहाँ पे सब सोसाइटी। हाँ तो ठीक है, गवर्नमेंट को मिल रहा है रेवेन्यू, और क्या कीजिएगा। जी जी, सब सोसाइटी ऐसा ही कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए कितना प्रॉब्लम है, फुल पे भरने पे ठीक है, चलिए फुल आईटीसी मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ। हाफ पे भरेंगे तो अपोर्टमेंट करना पड़ेगा। जी जी जी। चलिए 37 पढ़ा नहीं हमने, कुछ लोग नए आए हैं उनसे भी एक बार बात कर लिया जाए, फिर है ना कुछ हम लोग क्वारीज भी ले लेंगे आप लोग की, वी कैन डिस्कस द क्वारीज। तो वी वेलकम अब्दुल बसीट खान, वेलकम अनिमेश, वेलकम अरूप जी, वेलकम निशान गर्ग पहले आ चुका है, रियल मी आर एम एक्स 3031 वेलकम, सुंदर राजन जी वेलकम। अरे जितने भी नए लोग हैं इफ यू कैन अपना वीडियो ऑन कर सकते हो तो अच्छा होगा, नहीं तो अनम्यूट कर लीजिए। 947968 ये कौन है? ये तो कमलेश जी नहीं है, हेलो अब्दुल बशीर खान। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे बाकी लोगों जी को? सर जी सर, मैं तो अभी लॉ कर रहा हूँ, मेरा फाइनल सेमेस्टर इस बार है। अच्छा आप लॉ कर रहे हैं फाइनल सेमेस्टर, और कहाँ से कर रहे हैं और कहाँ किस सिटी में? मैं यहाँ से कर रहा हूँ, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट मेरा पड़ता है उत्तर प्रदेश। ओके ओके। पार्ट टाइम अकाउंटेंसी करता हूँ। पार्ट टाइम आप अकाउंटेंसी करते हो, जीएसटी में इंटरेस्ट है? जी जी। ओके, ये आप हमारे यहाँ पहली बार आए या इससे पहले भी ज्वाइन किया हुआ? नहीं इससे पहले भी ज्वाइन किया हूँ, जब टाइम मिलता है क्लासेस को टाइम मिलता है तो ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके ओके। आपके मैंने बुक्स वगैरह भी ऑर्डर की हुई है। ओके ओके। सब रिसीव हुई? रिसीव हो गई, अभी लेटेस्ट बुक ऑर्डर की थी आपने? यस यस यस, रिसीव हो गई। कॉम्बो वालों था और नोटिस वालों। हाँ हाँ, कैसी लग रही है बुक, पढ़ी आपने? जी जी, स्टार्टिंग किया हूँ अभी, तो इधर तो सब एग्जाम वगैरह चल रहे हैं इसलिए कोर्स भी नहीं ज्वाइन कर पाया। ठीक है ठीक है, चलिए आते रहिएगा। अनिमेश? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिमेश, बताओ अपने बारे में थोड़ा सा सब। तो अभी मैं सीए फाइनल में हूँ, लेकिन मैं एग्जाम नहीं दे पा रहा हूँ अब सीए का, अब मैं फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, अपना किस जगह कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अपना पटना बिहार में। हाँ, मैं पटना बिहार से हूँ और मैं फुल टाइम जीएसटी प्रैक्टिस और अकाउंटेंसी के साथ कर रहा हूँ। ओके ओके। एक सवाल जो सब लोग जानना चाह रहे हैं कि मेरे तक पहुंचे कैसे, कैसे ढूंढा? यूट्यूब से सर। क्या देखा, कुछ डिटेल बताओ। मैंने आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पे, इनिशियली जब जीएसटी 990 करना था मुझे ना 18-19 में, तो उस टाइम मैंने आपके सारे वीडियो देखे थे। ओके ओके। हाँ, वीडियो देखे, फिर उसके बाद मैं इधर कुछ दिन से आपसे रेगुलर कांटेक्ट में हूँ। ठीक बात है। हाँ। नोटिस इशू साथ में साथ सभी है डिपार्टमेंटल। मैं अनिमेश के बारे में बता दूं, ये बहुत ज्यादा नोटिसेस हैंडल करता है, डिपार्टमेंट उसका दूसरा घर है अनिमेश का। और इसी का केस मैंने आप लोग के साथ एक बार डिस्कस भी किया था कि 2017 में इस पार्टी ने जनवरी 2017 का आउटपुट टैक्स दे चुका था, और जनवरी 2018 का आउटपुट टैक्स दे चुका था, जनवरी 2018 का क्रेडिट भी नहीं लिया था।
तो अनिमेश उसके बारे में कुछ क्या हुआ उस केस का, कुछ हुआ कि नहीं सर? उसमें ना कि फिर उन्होंने हम लोग एक्चुअली उनसे मतलब ऑफिसर से हम लोग इंटरेक्ट था तो गए, तो उन्होंने ना वो 88 के बी वाला रूल के थ्रू ना हम लोग पे जब जब हम लोग शॉर्ट किए थे ना उस टाइम उस पे कैलकुलेट कर लिया और एग्री हो गए वो, और क्योंकि इंटरेस्ट का पार्ट देना था आपसे भी डिस्कस हो गया था कि अगर हम लोग पेमेंट टैक्स कर दिए तो इंटरेस्ट को माफ नहीं करा पाएंगे हम लोग। फिर वो उसपे सर 4 लाख इंटरेस्ट लैपटॉप्स बना, उसपे हम लोग डन करके वो ऑर्डर ड्रॉप करा दिए हम लोग, एसएमटी 12 कर दिए, उन्होंने 13 दे दिया मुझे, ड्रॉप हो गया। चलो हाँ, वो काफी पार्टली पार्सली आप लोग 6 मंथ या 6 हम लोग दिए है टाइम वो कि आप धीरे धीरे इसमें थोड़ा जमा कर दीजिएगा पैसा इंस्टॉलमेंट में। हाँ इंस्टॉलमेंट। और जनवरी 2018 का इंटरेस्ट वो क्रेडिट नहीं चाहिए? वो चाहिए तो वो उसके लिए फिर आपके थ्रू ही करना है, तो प्रोप्राइटर शायद आपसे बात हुई थी उनकी प्रोप्राइटर की। हाँ, तो फिर हम लोग उनके साथ बैठते हैं इस पर डिसीजन करते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमको ऑर्डर करके दे दिया है एसएमटी 13। हाँ ओके ठीक है। और अरूप जी सर एक सर थोड़ा सा इशू था सर, एक रियल एस्टेट का इशू सर हम लोग के यहाँ इस पूरे बिहार में बहुत ज्यादा है, मतलब 99% बिल्डर को नोटिस जा चुकी है, ऑफिसर को कुछ नहीं पता है सर, इतने सारे नोटिफिकेशन इतने सारे आए कुछ नहीं पढ़ता, उन लोग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से खबर सिखाया जाता है ये टॉपिक, इतना परेशान किया है ना ये लोग, एक छोटा सा क्या कर रहा है ना, कल भी हुआ गया हम वहाँ बात हुई नहीं समझा मेरे बात को, वो लोग ना हम लोग के ना बिहार के ना एक भूमि जानकारी वेबसाइट है जहाँ से किसी का भी ना डीड निकाल लेता है, तो उसके अकॉर्डिंगली स्क्रूटनी कर रहा है सबका, ये क्या ग्राउंड क्या ले रहा है वो कि आपके देखिए बिहार सरकार के साइट पे है रजिस्ट्री का डीड, आपके अपार्टमेंट फ्लैट में इतने सारे बिके हैं ये बिके हैं, उससे सर मेरा जीएसटी में कोई लिंक ही नहीं है सर, हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग पेमेंट बेसिस पे चलते हैं, रजिस्ट्री 4 साल बाद होता है 3 साल बाद होता है, वो अमाउंट हमारा डीड का अमाउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में कहीं कोई मैच नहीं है, वो मान निकले तैयार नहीं है आपको, तो फिर कुछ लिख के तो देगा। हाँ देता है वो लोग कि अकॉर्डिंग टू ये भूमि जानकारी साइट यू हैव सोल्ड डेट फ्लैट नंबर डेट ये करके सब कुछ ठीक है, वो है मेरा आदमी लेकिन हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कुछ और है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई कुछ और है, कुछ ठीक बात है। उसको बोलो भाई सर ये जो आप भूमि उसमें देख रहे हैं रेशियो तो सप्लाई ऑफ लैंड के ऊपर नो सप्लाई है क्यों, जीएसटी तो लगना ही नहीं चाहिए। मतलब देखो क्या कहानी क्या है, इफ ऑफिसर्स ट्राई टू कंफ्यूज यू, यू आल्सो ट्राई टू कंफ्यूज द ऑफिसर। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे, नोटिस दिखलाना है पर, है ना? यस यस सर। और कौन है? रियल मी, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार सर, ब्रजेन। नमस्ते। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, फिर से कहिए। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा नाम ब्रजेंद्र है, मैं काम करता हूँ जीएसटी में। जी सर, आपकी मैंने पहली वॉल्यूम भी बुक खरीदी सर, और इसके बाद ये दूसरी वॉल्यूम भी बुक खरीदी, और आपका कोर्स भी खरीदा सर, बहुत अच्छा लगा सर, और काफी डिटेल में आपने बताया है सर, मतलब इतना और कहीं भी खोजने पे नहीं मिल रहा है सर। जी करते क्या ये बता दीजिए। सर मैं काम करता हूँ जीएसटी का, प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस, और कहाँ किस सिटी में है? मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ सर। अच्छा, और कैसे आप मेरे तक पहुँचे? सर यूट्यूब में सर देखा था सर, और तब से सर आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ सर। अरे धन्यवाद धन्यवाद। तो बाकी लोगों को भी बताइए। जी सर, जी सर। थैंक यू सो मच ब्रजेंद्र जी। जी सर। और कौन है, और कौन है? सर कल क्लास होगी? कल कोई स्पेशल डे है? नहीं पूछ रहा हूँ, बीच में बहुत बड़ा ड्रॉप होता ना। नहीं नहीं करेंगे, मेहनत करूंगा, पढ़ना पड़ेगा मेरे को बस। लेंगे लेंगे कल क्लास लेंगे। सुंदर राजन जी बात हो गई मेरी जी आपसे? सुंदर राजन जी हो गया सर, दो क्लास को ज्वाइन किया था उन्होंने। अच्छा अच्छा, हो गया ओके ओके। ये 947968 ये कौन है नहीं समझ में आ रहा है।
947968 हेलो हाँ सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अपना नाम बताइए ना सर मैं जीएन शर्मा बोल रहा हूँ जीएन शर्मा कहाँ से छतरपुर कहाँ से छतरपुर से हूँ छतरपुर कहाँ है ये सर एमपी में अच्छा एमपी में ओके ओके बताइए अपने बारे में थोड़ा सा सर मैं स्टेट टैक्स ऑफिसर हूँ अच्छा अच्छा ओके ओके वेलकम वेलकम मुझे जानकारी मिली तो आज मैंने ज्वाइन करके देखा और आपकी किताब भी हमने लिया है मैं भी थोड़ा सा पूरा देख नहीं पाया हूँ ऐसे बहुत अच्छी किताब है आपकी धन्यवाद धन्यवाद ठीक है और कैसे पता लगा हमारे बारे में ये शैलेश जी ने बताया था मेरे अच्छा शैलेश जी ने बताया था ओके ओके चलिए थैंक यू आप आए बहुत अच्छा लगा हम लोग डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कुछ बोले तो माफी चाहते हैं नहीं नहीं सर इसमें तो हमने जो आपकी तैयारी किया है तो हम लोग कैसे तैयार हों उसके लिए ठीक है वेलकम वो तो क्या है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं जो है अपने क्लाइंट का फेवर तो करेंगे ही और बाई एक्ट आप भी करेंगे बाई एक्ट हम लोग भी करेंगे आप लोगों को तो अधिकार मिला हुआ इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू हाँ है? हम लोग को वो अधिकार छीनना पड़ता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए धन्यवाद अच्छा आप लोगों ने वो हमारा अनाउंसमेंट किसने कितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है अनाउंसमेंट सबने ज्वाइन किया हुआ है ना चलिए जिसने ज्वाइन नहीं किया हुआ प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा अरूप जी अरूप दास गुप्ता जी अच्छा हाँ हाँ बोलिए अरूप जी हाँ नमस्कार सर नमस्ते नमस्ते मैं अरूप भट्टाचार्य जी अच्छा ओके तो आसाम से आसाम तो एक छोटी सी जगह से नाम है बिजनी बिजनी ओके हाँ जी अच्छा हाँ जी मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर हूँ अच्छा, एडवोकेट भी हूँ ओके ओके तो आज आपका क्लास पहले भी ज्वाइन किया था तो हाँ, रेगुलर देख नहीं पाया था हाँ, तो फिर वो वापस आपका जो लेटेस्ट वॉल्यूम दो वॉल्यूम का निकला है कॉम्बो वो लिया हूँ वो पूछ चुके हैं अभी गो थ्रू नहीं किया अभी तक ठीक है ठीक है ठीक है अरूप जी आते रहिए थैंक यू सही अनाउंसमेंट क्या कौन सी क्लास है जो आपने ज्वाइन किया था ना एक अनाउंसमेंट वाली एक व्हाट्सएप में एक अनाउंसमेंट ज्वाइन किया हुआ मनीष जी आपने तो ज्वाइन किया हुआ एक बार सर एक बार दिखा दीजिए ना अनाउंसमेंट कहां से ज्वाइन करना है मैंने एक लिंक भेजा तो था आप लोग को नहीं सर हमको नहीं मिला सर नहीं मिला सर हम लोगों के लिए जो नए हैं मैं वही कह रहा हूं कि रुकिए मैं बताता हूं संजय जी आपको एक लिंक मिला था ना नहीं सर मुझे भी नहीं मिला क्या बात कर रहे हैं आप लोग ज्वाइन किए हुए उस अनाउंसमेंट में जहां पर मैंने आज का जूम का क्लासेस होगा ये सब बताया हुआ उसमें नहीं सर जीएसटी डिस्कशन करके जो ग्रुप है बस वही नहीं नहीं जीएसटी डिस्कशन नहीं और एक ग्रुप एक कम्युनिटी बनाई है जिसमें किसी का फोन नंबर नहीं पता लगेगा कुछ भी नहीं पता लगेगा एक दूसरे का तो बड़ा मतलब प्राइवेसी रहेगी उसमें सर एक बार फिर से भेज दी मैं भी चैट में भेजता हूँ रुकिए ब्रजेंद्र जी नहीं सर गलती से वो मतलब चैट खोल रहा था और मैं ठीक ठीक देखिए एक अपील फाइल कर रहे हैं इसमें ये वेस्ट बंगाल में है ब्रीफ इश्यू ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट वी रॉन्गली रिवर्स आईटीसी क्रेडिट वाइट 3B एंड DRC 03 और क्यों रिवर्स किया बिकॉज ऑफ द मिसमैच बिटवीन 2A एंड 3B
और ये डिस्क्रिप्शन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं है, मार्केट वैल्यू ऑफ सीज गुड्स नहीं है, वेदर अपलैंड विशेस टू बी हर्ड इन पर्सन, यस, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। SMT 10 was issued on this date, intimating the discrepancies between 2A and 3B for the financial year 17-18 and the learned officer compelled us to reverse the ITC through DRC 03 in spite of the fact that all ITC were availed as per section 16 of the GST law. Subsequently, we reversed the ITC through DRC 03 on this date. Presently, the learned officer demands interest under section 50 amounting to this and penalty under this. Since all the ITC was availed as per section 16 and was rightly availed since no matching was required. And also no matching was required for the financial year 17-18 prior to drop the demand of interest and penalty. अब प्रीतम जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मैंने पहले वर्ड फोर्स लिखा था, प्रीतम जी कह रहे हैं कि कहीं ऑफिसर को गुस्सा ना आ जाए। कोई और लैंग्वेज हो सकती है, सजेस्ट कर सकते हैं? बक्सेटी जी, ऑफिसर इन्फॉर्म कर सकते हैं क्या सर? इन्फॉर्म्ड अस नहीं, इन्फॉर्म है। देखिए, अगर ऑफिसर इन्फॉर्म कर रहा और हमने खुद ब खुद कर दिया तो हमने अपनी गलती मान ली, फिर हम लोग क्या करेंगे? ओके 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 ओके, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, और बाद में इसका क्रेडिट, देखिए 17-18 क्रेडिट आज हम लोग क्लेम करेंगे जी 2023 में, उसका फिर अपील में जाएंगे। प्रीतम जी ने ऑफिसर से बात कर ली भैया कि सर पेनाल्टी मत लगा देना, बस हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके ओके, तो ये है। किसी का कोई भी सजेशन है तो बता दीजिए। एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लर्नड ऑफिसर सर, डायरेक्ट कर दें कि ऑफिसर डायरेक्ट अस टू डिपॉजिट से कंपेयर की जगह सर डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्शंस दिए उसको, इंस्ट्रक्ट कर दिया जी, डायरेक्टेड अस जी। देखिए, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा फोर्स लगना चाहिए, मतलब अगर डायरेक्टेड अस मतलब इट मींस दैट वी एडमिट दैट देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मैचिंग ऑफ इनवॉइसेस। फिर तो सर प्रॉपर वर्ड कंपेल्ड ही होता है सर, ये प्रेशराइज्ड होता है। फर्स्ट क्लास है प्रीतम जी। हाँ सर, ठीक है। ग्रुप का फायदा यही है। हाँ, है ना? अरे कितने सारे वर्ड आ गए, कंपेल्ड, फोर्स्ड, प्रेशराइज, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन। रुकिए, अब इसकी वोकैबुलरी बना के रखनी पड़ेगी ना हम लोग को, तो मैं क्या कर रहा हूं, हमने ये वोकैबुलरी के वर्ड लिख लिए इतने सारे, अब मैं जब नोटिस बनाता हूं। सर आपने बोला था कि ये वोकैबुलरी आप शेयर करेंगे। शेयर किया मैंने, किया है। मेल पे डाल पे रखा है। कंपेल अभी फिर कर देता हूँ, डायरेक्शन भी भेज दीजिएगा, चैट में सारा भेज देता हूँ। देखिए मेरे पास जो भी है वो सब आप ही का है। कंपेल, डायरेक्शन, और कौन सा वर्ड? फोर्स। जब मैंने उस वक्त शेयर किया था तो 40-50 थे, अब तो बहुत है, इसको संभाल के रखिए अपने पास। मैसेज इज टू लॉन्ग। चलिए, मैं व्हाट्सएप में दे रहे हैं क्या? नहीं, ये चैट में लिख रहा था। मैं आधा आधा करके भेजू क्या? मैं ऐसा करता हूँ, आधा आधा करके भेजता हूँ। चालीस भेज दिया, कॉपी करके रख लीजिए आप।
सारा भेज दिया, मिल गया ना? सर चैट में भेजा क्या? चैट में भेज दिया। अभी तक तो नहीं आया। नहीं आया क्या बात कर? आ गए हाँ आ गया होगा। आगे ठीक है, फिर कल मिले। और किसी का कोई क्वेरी? चलिए फिर कल मिलते हैं। आवाज आप लोग की क्यों नहीं आ रही? आप लोग चुपचाप हैं। और किताब के बारे में बाकियों को बताइए, कोर्सेज के बारे में बताइए, और जो अनाउंसमेंट जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया बाकियों को भी ज्वाइन करवाइए। उसमें 5,000 लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 5,000 लोग, तो उसमें मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।